हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक डिज़र्ट रेसिपी। तो ये एक ऐसा डिज़र्ट है जो थोड़ी सी आपको इसे मेहनत लग सकती है, बट जो रिज़ल्ट होगा बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हमें चाहिए कद्दू या पम्पकिन। ये मैंने छिला हुआ कद्दू रखा है और इसके बीज भी मैंने रिमूव कर दिए हैं और इनको अभी के लिए स्लाइसिस में काट दिया है। इसके अलावा हमें चाहिए कोकोनट या गिरी, जो ड्राइड कोकोनट होता है वो हमें चाहिए, फ्लैश कोकोनट का। इसके अलावा हमें चाहिए बादाम, लगभग एक कटोरी से आधी कटोरी बादाम हमारे लिए काफ़ी रहेंगे। और उसके अलावा हमें चाहिए वनीला आइसक्रीम। इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं पहले स्टेप पे। तो स्टार्ट करेंगे हम कद्दू से। कद्दू को हम ग्रेट करेंगे और ग्रेटर की मैं जो मीडियम साइज़ वाली ग्रेटिंग वाली सेक्शन है उससे हम यूज़ करेंगे, सबसे बड़ी या सबसे छोटी से नहीं। तो इसमें हम सारे कद्दूओं को जल्दी से ग्रेट कर लेंगे। और एक बार आपका जब सारा कद्दू ग्रेट हो जाए तो इसको सेपरेट एक प्लेट में डाल के रख दीजिए बाद में यूज़ के लिए। अब जो हमारा ग्रेटेड कद्दू है इसके अंदर हम थोड़ी सी दालचीनी पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, आधे टीस्पून के बराबर। और इसके बाद हम पाउडर्ड शुगर डालेंगे। ये पाउडर्ड शुगर है, मैंने नॉर्मल शुगर को मिक्सी में ब्लेंड करके पाउडर बना लिया है। उसके हम 5-6 टेबलस्पून या आधी से पौनी कटोरी हम डाल देंगे इसके अंदर और इस सब चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और एक बार जब सारा मिक्स हो जाएगा अच्छे से तो आप देखेंगे कद्दू ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। चीनी डालने का यही पर्पस था, एक तो इसमें कद्दू के अंदर मिठास आ जाएगी, साथ ही साथ कद्दू जो है वो एक्स्ट्रा वाटर अपना रिमूव करेगा। बाद में जो प्रोसेस हमने करना है उसके लिए इससे हेल्प होगी। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद हम कद्दू के अंदर से पानी निचोड़ना शुरू करेंगे। उसके लिए हम दोनों हाथों से कद्दू को दबाएंगे, कुछ पार्ट कद्दू का हाथ में लेके, और दबाने से जितना पानी हम निकाल सकते हैं कद्दू का वो हम प्लेट में निकालेंगे और सूखे कद्दू को हम निकाल के एक अलग बाउल में डाल देंगे। तो सारे कद्दू का पानी निचोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि कद्दू ने कितना पानी छोड़ा है और कितना मॉइस्चर जो है हमने रिमूव किया है। तो ये जो पल्प बचा हुआ है ये अलग से हमारे पास सेपरेट रह चुका है। इसमें से एक्स्ट्रा सिनेमन का जो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था वो भी निकल गया है पानी में, साथ साथ कद्दू भी आपका जो है वो ड्राई कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अब जो कद्दू का पल्प हमारा बच चुका है जिसमें से मॉइस्चर निकाल लिया, उसमें हम चीनी डालेंगे लगभग 1-1.5 टेबलस्पून। इसका पर्पस ये है क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द जो शुगर थी वो पानी के साथ मिलकर निकल गई है, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्वीटनेस डालने के लिए है। हालांकि कुक होने के बाद कद्दू वैसे भी थोड़ा स्वीट हो जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर बटर के 4 टेबलस्पून डालेंगे और इस सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे, ट्रे के नीचे वाली साइड पे हल्का सा बटर लगाएंगे, इसके ऊपर एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर रखेंगे, वो बटर की वजह से चिपक जाएगा। उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी हम बटर की एक लेयरिंग करेंगे, इसकी वजह से जो भी हम कद्दू पर कुक करेंगे वो चिपकेगा नहीं। अब कद्दू की टिक्कियां बना के हम पूरे के पूरे पार्चमेंट पेपर पे रख देंगे बेक करने के लिए। अब इस बेकिंग डिश को हम एक प्री हीटेड ओवन को, जिसमें मैंने कि टेम्परेचर फुल सेटिंग पे रखा था, मेरे ओवन में वो सेटिंग जो है वो लगभग 250 से 300 डिग्री सेल्सियस की है, उसमें मिडल रैक में रख देंगे और इसको हम कद्दू के गलने तक या नरम होने तक कुक करेंगे। इसके बाद हम जो हमारी गरी थी या जो हमारी कोकोनट के फ्लैश था ड्राइड, उसके हम पतले पतले स्लाइसेस काटेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे एज अ गार्निश हमारे फाइनल डिज़र्ट के ऊपर। तो जल्दी से ये वाला स्टेप कर लेते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे, इसको मैंने लो हीट पे रखा हुआ है और इसके अंदर हम थोड़े से बादाम डाल देंगे। बादाम को हमने जल्दी से टोस्ट करना है जब तक इनके हल्के हल्के ब्राउनिंग ना हो जाए ऊपर से, और जब ये कुछ इस तरह के दिखें तो आपके बादाम रेडी हैं। अब हम इन बादामों को रफली चॉप कर लेंगे ताकि इनसे हम आलमंड फ्लेक्स बना सकें और ये भी हमारे गार्निश के काम आएंगे। हमारे कद्दू को ओवन में रखते हुए आधा घंटा हो चुका है, अच्छी तरह कैरमलाइज हो चुके हैं। ऊपर मैंने थोड़ी सी गिरी जो है वो स्प्रिंकल की थी, ये वो दिख रही है आपको, इसको हम ओवन से रिमूव कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक छोटी सी क्वार्टर प्लेट लेंगे प्यारी सी, उसके ऊपर एक स्लाइस आइसक्रीम का डालेंगे जो हमने वनीला आइसक्रीम रखी हुई है, और उसके ऊपर हमारे रोस्टेड जो पम्पकिन है उसकी एक लेयर हम ऊपर से डाल देंगे। इसके बाद अगर आपको याद हो तो बचपन में हम एक राइस की बनी हुई
स्वीट टाइप की स्नैक खाते थे जिसको हम फट्टी बोलते थे। कुछ नहीं होती थी, राइस की फुलियाँ जो होती थी उसके वो शुगर में कोट करके वो एक चीज़ बनाई जाती थी। उसका एक मॉडर्न वर्जन बाज़ार में आजकल मिलता है, इसको राइस क्रैकर्स बोलते हैं। इसका एक तोड़ के पीस हम जो है वो डाल देंगे इस आइसक्रीम पे, इससे अच्छी क्रंच मिलेगी आइसक्रीम में, वो टेक्सचर में फ़र्क आएगा। इसका टेस्ट जो होता है वो राइस क्रैकर्स की तरह होता है, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा मीठा और थोड़ा सा नमकीन होता है। तो ये हम यूज़ करेंगे। अगर आपको ये मार्केट में ना मिले तो आप इसकी जगह जो ड्राइड राइस होते हैं, भुने हुए फुलियाँ जिसको बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने आलमंड काट के रखे थे टोस्टेड, वो हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे एज ए गार्निश। और उसके बाद हम जो कोकोनट्स के हमने थोड़े स्लाइसेस काट के रखे थे या गिरी के स्लाइसेस काट के रखे थे, वो भी हम रख देंगे इस आइसक्रीम के ऊपर। पर क्योंकि टेक्निकली ये जो हमारा डिज़र्ट है ये एक आइसक्रीम डिज़र्ट है और इसको हम संडे मान के चल सकते हैं, आइसक्रीम संडे, तो विदाउट चॉकलेट सिरप ये अधूरा है। तो फाइनल स्टेप पे हम चॉकलेट सिरप की ड्रिजलिंग करेंगे और हमारी डिज़र्ट डिश रेडी है। इसका नाम हम देंगे रोस्टेड पम्पकिन विद वनीला आइसक्रीम। तो चलते हैं टेस्ट करने के लिए। तो एक इजी, क्विक और थोड़ी सी डिफरेंट एक डिज़र्ट रेसिपी हमने आपको बना के दिखाई है। यूजुअली हम आइसक्रीम संडे खाते रहते हैं बट उसके अंदर हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं, हमने इस वक्त पम्पकिन यूज़ किया है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, नॉर्मली इंडियन क्विजीन में या हम नॉर्मली आम तौर पे इसको हम बना के इस तरह से खाते नहीं हैं, बट हमने कद्दू के साथ ये स्वीट डिश बनाई है और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही डिलीशियस डिश है। कद्दू जो है वो अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो चुका है, लगभग कद्दू के हलवे की तरह है, बट इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर अभी भी बाकी है कद्दू का, क्योंकि हमने ग्रेट किया था पूरे कद्दू को और हलवा नहीं हमने बनाया, इसको हमने नरम होने तक पकाया है। उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी स्वीटनेस आ गई है रोस्ट होने की वजह से, और सिनेमन या दालचीनी का जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही माइल्ड सा आ रहा है और अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वनीला आइसक्रीम को। उसके अलावा जो हमने राइस क्रैकर साथ में सर्व किए हैं वो भी अच्छी क्रंच और टेक्सचर प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये अच्छा कंट्रास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अदरवाइज़ जो कि आइसक्रीम और पम्पकिन का बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है उसको। जो आलमंड्स डाले हैं उससे अच्छी नटीनेस की फीलिंग आ रही है अंदर, और जो कोकोनट डाला है वो भी अलग से हमें एक बस्ट ऑफ फ्लेवर दे रहा है। चॉकलेट सॉस जो है वो पूरी डिश को बाइंड कर रही है टुगेदर, और जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर अधूरापन था वो चॉकलेट सिरप जो है वो दूर कर रहा है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी डिश है, ईजी टू मेक है, आई एम श्योर आप घर पर बनाएंगे तो सबको अच्छी लगेगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मैं हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट छोड़ दूंगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।